रूप से सैमसंग की नोट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक रही है। मुझे नहीं लगता आईफोन के बाद नोट सीरीज के अलावा किसी और सीरीज ने इतना इम्पैक्ट डाला होगा स्मार्टफोन मार्केट पे जितना नोट सीरीज ने डाला है। दोस्तों नोट सीरीज जो है इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इसके जो फोन से ज्यादा बिकते हैं। दोस्तों नोट सीरीज इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि नोट सीरीज ऐसी सीरीज थी जो स्मार्टफोन वर्ल्ड में बड़े डिस्प्ले का रेवोल्यूशन लेके आई थी। और हालांकि नोट सीरीज जो सैमसंग की बहुत ज्यादा अच्छी रही है, लेकिन इस साल जो सैमसंग थोड़े प्लान चेंज करने जा रही है क्योंकि इस साल सैमसंग सोच रही है कि शायद वो अपनी नोट सीरीज को मार्केट में ना उतारे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं मार्केटिंग सीईओ सैमसंग के कुह जैन। और 2021 की बजाय आपको 2022 में दोबारा रीबर्थ देखने को मिले नोट सीरीज का। तो दोस्तों काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें करने जा रही है सैमसंग इस साल, तो देखने होने वाला होगा कि सैमसंग के नोट सीरीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों बात करेंगे इसी चीज के ऊपर इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सैमसंग जो सबसे बड़ी वजह बता रही है सैमसंग नोट सीरीज के ना लॉन्च होने की, वो है चिप शॉर्टेज। दोस्तों चिप शॉर्टेज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, चिप शॉर्टेज है क्या। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में जो है लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था और काफी जो है पैनिक हो गई थी, इसलिए उन्होंने काफी फैक्ट्रीज और जो एसेंशियल सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया था। इसलिए मार्केट में जो है मोबाइल पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत ज्यादा रुक गई थी। इसलिए लोग जो है फैक्ट्रीज में नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। इसलिए पहले जो मोबाइल प्रोसेसर की फैब्रिकेशन होनी थी वो समय पे नहीं हो पाई और मार्केट में जो है मोबाइल पार्ट्स की शॉर्टेज बढ़ने लगी क्योंकि फैक्ट्री में कोई काम कर नहीं रहा था और डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी। और गरीबी में आटा गीला होने की बात तब हो गई जब लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा खरीदना चालू कर दिए क्योंकि लोग जो है घर पे ज्यादा रहे थे, इसलिए उनको एंटरटेनमेंट वाले सामानों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। इससे जो है पार्ट्स की शॉर्टेज और भी ज्यादा बढ़ गई और यही कारण था कि हमें कुछ समय के लिए पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा देखने को मिली। हालांकि बाद में जो है लॉकडाउन हट गया और गवर्नमेंट जो है कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो अपनी 50% वर्कफोर्स के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं और उसी समय जो है मार्केट भी खुल गई और लोग और भी ज्यादा जो है प्रोडक्ट खरीदने लगे। अब जो है मार्केट डिमांड जो है 200% पे थी और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 50% पे थी, इसलिए जो डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा गैप पैदा हो गया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा और मार्केट जो है अपने आपको धीरे धीरे बैलेंस करेगी दोबारा। और यही कारण है कि सैमसंग जो है नोट सीरीज नहीं लेके आ रही है 2021 में, क्योंकि आपको पता है कि सैमसंग की नोट सीरीज जो होती है वो सैमसंग की एस सीरीज की रिफाइंड प्रोडक्ट होती है, मतलब कि सैमसंग की एस सीरीज से थोड़ा बेहतर होती है। जो गलतियां उन्होंने एस सीरीज में की होती है वो उसको जो है नोट सीरीज में सुधारते हैं। और क्योंकि नोट सीरीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाई ड्यू टू कोरोना, और शायद इसीलिए जो सैमसंग जो है नोट सीरीज को नहीं लॉन्च कर रही है इस साल, और शायद आपको ज्यादा फीचर के साथ नोट सीरीज जो है वापसी करती दिखे 2021 में। और इस साल जो सैमसंग चाह रही है कि अपनी एफ सीरीज के ऊपर ज्यादा फोकस करे क्योंकि हर साल जो है नोट सीरीज के कारण जो है एफ सीरीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली नोट सीरीज जो है सैमसंग के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है बजाय एफ सीरीज के। पर क्योंकि सैमसंग को पता है कि आने वाला जो समय है वो नोट सीरीज का नहीं, वो एफ सीरीज का है, क्योंकि आने वाले समय में फ्लिप फोन जो है ज्यादा पॉपुलर होंगे बजाय नोट सीरीज के। तो इस साल सैमसंग चाह रही है कि वो सिर्फ फ्लिप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें और कैसे भी करके जो फ्लिप टेक्नोलॉजी उसको और ज्यादा एनहांस कर सकें। और जो कंपनीज अभी फ्लिप फोन बना रही हैं जैसे LG, Huawei, Xiaomi, उनके ऊपर आने वाले समय में बढ़त बना सके और हो सकता है कि हमें अगले साल तक सस्ते फ्लिप फोन भी देखने को मिले, जैसे मार्केट में आया था F2, उसके जैसा ही कुछ F2 लाइट देखने को मिले जो कि फ्लिप फोन होगा और आपके बजट के अंदर आएगा। तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। और दोस्तों अगर सैमसंग नोट सीरीज नहीं बना रही है इस साल, तो मैं चाहूंगा कि सैमसंग एफ सीरीज के ऊपर काम करे और मार्केट में सस्ते फ्लिप फोन लेके आए। और दोस्तों सैमसंग जो है एक और बड़ी प्लानिंग कर रही है, सैमसंग चाहती है कि उसके 5G फोन जो है हर मार्केट सेगमेंट के अंदर हो, हर प्राइस पे लोगों को मिल सके। जैसे कि हमने हाल ही में सुना था कि सैमसंग का A12 जो है वो सबसे सस्ता फोन होने वाला है जो मार्केट में आएगा, और ऐसा ही कुछ हमने गैलेक्सी F22 के बारे में सुना था। तो दोस्तों प्लान्स तो बहुत सारे हैं सैमसंग की तरफ से, लेकिन देखने होने वाला होगा कि सैमसंग कैसे मैनेज करती है इस पेंडेमिक के बाद। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलता हमको नई वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। टिल देन टाटा बाय बाय।